भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भाई बिग बॉस के घर में ही रहेंगे और आपको बता दें कि घर में अब उन्हें लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। घर में लोगों को लग रहा है कि खेसारी थोड़ा बहुत घर में अब इनपुट डाल रहे हैं, लेकिन ये तलवार तो रश्मि देसाई पर भी लटकनी चाहिए। और तो और घर में कई ऐसे लोग हैं जो कुछ खास कर नहीं रहे, सिर्फ खेसारी को ही टारगेट बनाया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव कुछ कर नहीं रहे लेकिन हाँ, यहाँ एक बात और है कि यूपी बिहार की जनता ने खेसारी लाल यादव को भर भर कर वोट किया है, जिसके चलते खेसारी लाल यादव अब बिग बॉस के घर में ही रहेंगे। हाँ, जब तक वो नॉमिनेट नहीं हो जाते तब तक उन्हें घर से बाहर कोई भी नहीं निकाल सकता। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिग बॉस के घर में खेसारी अब टास्क पे टास्क कर रहे हैं। और तो और खेसारी लाल यादव की तारीफ भी लोग कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने कल वाले एपिसोड में टास्क बहुत अच्छा किया, और इसके पहले गुफा वाला जो टास्क हुआ था उसमें खेसारी ने बहुत अच्छा काम किया था। इसके चलते आज खेसारी लाल यादव की जमकर तारीफ सलमान खान करेंगे। उन्हें कहेंगे कि अब आप स्क्रीन पे दिख भी रहे हो और अभी और आपको अच्छा कुछ करने की ज़रूरत है। खेसारी के बाद क्लास सबसे ज़्यादा अगर किसी की लगेगी तो रश्मि देसाई और देवोलीना की क्लास लगेगी, और आरती की। जी हाँ, इन तीनों को सलमान खान जमकर फटकारेंगे। अरहान खान को कम वोट के चलते उन्हें बिग बॉस के घर से निकाला जाएगा, और साथ ही साथ कहा जा रहा था कि बिग बॉस के घर में डबल इवेक्शन होंगे, वो इवेक्शन डबल नहीं सिंगल ही होंगे, अरहान खान ही बाहर जाएंगे। और उसके बाद घर में सभी को एक तमगा दिया जाता है, जिसमें खेसारी लाल यादव को वर्क इन प्रोसेस, यानी कि घर में धीरे धीरे ही सही लेकिन खेसारी लाल यादव का काम दिख रहा है, इसका तमगा दिया जाएगा। वैसे तो बिग बॉस के घर में किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस बार खेसारी लाल यादव घर के अंदर रहेंगे, लेकिन बिग बॉस के घर में पहली बार इतना बड़ा धमाल हो रहा है, किसी के लिए इतनी ताबड़तोड़ और ज़ोरदार वोटिंग हो रही है। वैसे भी बिग बॉस के घर में आने से पहले खेसारी लाल यादव के फैंस ने खेसारी लाल यादव को ये ज़रूर कहा था कि भैया जीत कर ही आना, हो सकता है खेसारी लाल यादव जीत के प्रबल दावेदार ही बन जाए। भोजपुरी जीत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।